दुनिया न्यूज पर अपडेट्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। स्कर्दू एयरपोर्ट के करीब आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, पायलट समेत 5 अफराद शहीद हो गए। कराची के इलाके माजगोट में स्पार्को की बस पर बम हमला, एक शख्स जान बहक, 25 जख्मी। तौहीन अदालत तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया, वजीर कानून फारूक एच नाइक ने बिल पेश किया। अमरीकी सफीर कैमरन मंटर की वजीर आजम से अलविदाई मुलाकात, राजा परवेज अशरफ कहते हैं पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। रमजान में सहर और इफ्तार के दौरान बिजली नहीं जाएगी, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए जरूरत 20% तक सस्ती मिलेंगी, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। क्वेटा के इलाके मियांगंडी से 2 नामालूम अफराद की लाशें बरामद। फैसलाबाद में तनख्वाहों में इजाफा न होने पर मजदूरों ने लेबर ऑफिस का घेराव कर लिया, मुजाकरात में नाकामी पर लाहौर की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। हाली के लेटेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान ने 8 विकेटों पर 299 रन बना लिए, श्रीलंका पर 188 रन की बढ़तरी। और चीन में 3D तस्वीर की नुमाइश, तवज्जो का मरकज। और अब देखिए नुक्ता नजर।